नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। हत्या के मामले में रीवा की अदालत ने सुनाई दोहरे आजीवन कारावास की सजा। रीवा में 2 साल पुराने मामले में, जिसमें कुल्हाड़ी मारकर एक व्यक्ति ने हत्या कर दी थी महज अपनी मजदूरी मांगने गए व्यक्ति की, जिसके चलते आज दोहरे हत्याकांड, दोहरे आजीवन कारावास की सजा हत्याकांड मामले में रीवा की विशेष अदालत ने सुनाई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का यह अंतिम दिन था, लेकिन उन्होंने आज के दिन भी अपराधी को नहीं बख्शा। दोषी को कठोर कारावास, आजीवन कारावास जैसे दंड से दंडित किया। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने निष्पक्ष तरीके से फैसला सुनाते हुए आरोपियों को कड़ा दंड दिया और निर्दोष को बरी करने में देरी नहीं की। दरअसल पूरा मामला नईगढ़ी थाना अंतर्गत भीर जायसवाल मोहल्ले का है। यहीं का एक व्यक्ति जिसका नाम राम अवतार साकेत था, मजदूरी का काम करता था अवधेश साहू के यहाँ। अवधेश साहू से वो पैसा मांगने गया था, लेकिन अवधेश साहू ने पैसा देने से मना कर दिया। राम अवतार को पैसे की जरूरत थी, उसने एक बार फिर से पैसा मांगा। बदले में अवधेश साहू ने जो उस समय लकड़ी काट रहा था, उसी कुल्हाड़ी से राम अवतार को मारकर हत्या कर दी, जिसकी शिकायत नईगढ़ी थाने में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, कोर्ट में मामला पेश किया गया। आज फैसला सुनाते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश ने धारा 302 और 394 में दर्ज मामले में के साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पेश मामले में वकील एसपी पांडे और राकेश निगम की पैरवी पर आरोप सिद्ध पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास और ₹100 जुर्माना, साथ ही धारा 325 एससी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और ₹100 जुर्माना की सजा सुनाई है। पूरे मामले को लेकर हमने अधिवक्ता राकेश निगम से बात की, सुनिए वो क्या कुछ बता रहे हैं इस फैसले को लेकर। घटना 26/11/2021 की है। ये राम अवतार साकेत, इसने अभेश साहू के यहाँ मजदूरी की थी और मजदूरी मांगने के लिए करीब 12:30 दोपहर को गया और अभेश साहू से कहा कि हमारी मजदूरी दे दीजिए, हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है। अभेश साहू उस समय लकड़ी काट रहा था तो उसने उसको गाली दिया और गाली देने के बाद उसी कुल्हाड़ी को उसके कान पर मार दिया, जिससे वो गिर पड़ा और गिरने के बाद फिर 2 कुल्हाड़ी और उसके सिर के पीछे मारी, जिसके घटना को उसके भतीजे ने देखा। भतीजा राम सागर साकेत है, मृतक का नाम रामा अवतार साकेत है। भतीजे ने ले जाके उसको अस्पताल ले जाया गया और नईगढ़ी अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। राम सागर साकेत ने घटना की रिपोर्ट नईगढ़ी थाने में की। नईगढ़ी थाने से रिपोर्ट के बाद चलान माननीय विशेष न्यायाधीश श्री CM उपाध्याय साहब के सामने प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय CM उपाध्याय साहब के सामने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य और आर्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, डॉक्टरों की साक्ष्य, सारी साक्ष्य की विवेचना करने के बाद माननीय CM उपाध्याय साहब विशेष न्यायाधीश ने 302 में आजीवन कारावास और ₹100 का जुर्माना, 325, जबकि उसको जानकारी थी आरोपी को कि मृतक जो राम अवतार साकेत है वह हरजन है, उसके साथ मारपीट करके उसकी हत्या कारित की, इसलिए 325 में हरजन एक्ट की धारा में भी आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई है। इस प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक SP पांडे और राकेश कुमार निगम के द्वारा की।